नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एग्जाम टीवी पे स्वागत करता हूँ। और आज हम देखेंगे अलजेब्रा के क्वेश्चंस, और वो भी इजी ट्रिक के साथ देखेंगे। आपको पेन और कॉपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन डायरेक्ट देख के तुरंत लगा के अगले क्वेश्चन पे चले जाओगे। तो इसके लिए आपको वीडियो ध्यान से देखना है और कंप्लीट वीडियो देखना है, उसके बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो तो कमेंट ज़रूर करना। देखो, रूट के अंदर तीस प्लस ये अनंत तक जा रहा है। अब अनंत तक जा रहा है तो इसका मान क्या होगा? तो आपको सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं। ये यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो देखो प्लस प्लस है तब की बात कर रहा हूँ मैं। अब अगर फैक्टर करोगे, ऐसे फैक्टर करने हैं जो निकटतम हो, जैसे 5 × 6, 6×5 = 30, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। अब अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी, जो बड़ा है प्लस है तो बड़े वाली, तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर देखो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम है जो नंबर दिया हो उसके फैक्टर करो। अब अगर प्लस दिया हुआ है तो बड़े वाला हो गया, अगर यहाँ पे माइनस है और अनंत तक जा रहा है तो ये छोटे वाला, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरीके से देखो 42 माइनस, रूट में 42 फिर माइनस, ये अनंत तक जा रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो 42 के ऐसे फैक्टर करो निकटतम, तो 6 × 7 किया तो 6 × 7 = 42 होता है। अब यहाँ पे माइनस है तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा, तो 6 और 7 में से छोटा 6 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आगे वाला देखो, ये तो प्लस में माइनस में थे, अब अगर मल्टीप्लाई में आ जाए, जैसे रूट में 7 फिर मल्टीप्लाई, ये रूट में 7 फिर 7 फिर 7, ये अनंत तक जा रहा है। अगर मल्टीप्लाई के अंदर हो, अगर ये प्लस के अंदर हो माइनस के अंदर हो, तो आपको इस टाइप से करना है। अगर ये मल्टीप्लाई के अंदर हो और अनंत तक जा रहा है, तो इस पूरा की वैल्यू हो जाएगी, जो नंबर है वही इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अगर 99 यहाँ पे 99 लिखा हुआ होता तो इसकी वैल्यू 9 हो जाती। अगर यहाँ पे 210 होता, ये मल्टीप्लाई में होते अनंत तक जाता, तो इसका आंसर 210 हो जाता। अब देखो अगर ये अनंत तक नहीं जा रहे हैं, तो रूट के अंदर देखो 7 फिर रूट में 7 फिर यहाँ पे 4 तक, आगे अनंत तक नहीं जा रहे हैं। अगर अनंत तक जाता तो इसका मान 7 होता। अगर अनंत तक नहीं जा रहे हैं तो इसका आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू, अब इसकी पावर के अंदर 2 की पावर n − 1/2 करना है। अब कई सोच रहे होंगे कि यहाँ पे n क्या है, तो n यहाँ पे है जो ये संख्याएं जितनी बार हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे n का मान कितना है? 4। तो देखो 7 की पावर है, अब 2 की पावर 4 करोगे क्योंकि 4 संख्याएं हैं, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, और 2 की पावर 4 16 होता है, उसमें से 1 कम करोगे तो 15, और अपॉन में हो जाएगा 2 की पावर 4, तो हो जाएगा ये 16। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखो, अगर ये 5 √5 फिर मल्टीप्लाई में √5, ये 5, ये अनंत तक जा रहे हैं, तो अनंत तक जा रहा है तो आपकी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जो नंबर है वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये √5, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 बार 5 5 है, लेकिन अनंत तक नहीं जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर की पावर के अंदर 2 की पावर करना है, जो कितनी बार है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 की पावर 6 − 1, और नीचे क्या करना है? 2 की पावर n, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब देखो 5 की पावर में आपको 2 की पावर 6 कितना होता है? ये 2 की पावर 5 होता है 32, और 2 की पावर 6 होता है 64, तो नीचे हो जाएगा 64, और यहाँ पे 2 की पावर 6 = 64 माइनस 1 करोगे तो 63, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 5 की पावर में 63/64। अगर इसमें देखो आपके कंफ्यूज हो कि अगर सर इसमें फैक्टर नहीं बने तो हम क्या करें, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक सेकंड वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें आप जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं उसको भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।